एक बार एक लेडी अपनी लंबी गाड़ी में हाईवे से सिटी की तरफ जा रही होती है, तो अचानक हाईवे पे उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। इवनिंग का टाइम होता है और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होती है। वो गाड़ी से निकलती है कि अब क्या करूं, गाड़ी को कैसे मैनेज करूं। सड़क की उस साइड जिशान अख्तर नाम का एक बंदा उस लेडी को प्रॉब्लम में देखता है। जिशान सड़क क्रॉस करता है और उस लेडी की तरफ जाता है। लेडी एक पल के लिए घबरा जाती है कि ये बंदा मेरी तरफ क्यों आ रहा है। जिशान उस लेडी के पास जाके कहता है कि मैम, मैं चेक करता हूँ आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, आप टेंशन मत लीजिए। जिशान गाड़ी का बोनेट खोलता है, फॉल्ट को ढूंढता है, फॉल्ट को ठीक करता है और गाड़ी वापस स्टार्ट कर देता है। वो लेडी जिशान की बहुत थैंकफुल होती है, उसको थैंक्स करती है और कहती है कि आपने मेरी प्रॉब्लम में हेल्प की, बताइए मैं आपको कितने पैसे दूं। जिशान उस लेडी को मना कर देता है कि ये मेरा काम नहीं है, इसलिए मैं आपसे इस चीज के पैसे नहीं लूंगा। हाँ, किसी टाइम पे किसी ने मेरी मदद की थी और उसने कहा था कि तुम भी आगे किसी की मदद करना और इस चेन ऑफ हैप्पीनेस को आगे बढ़ा देना। तो मैं भी आपको यही कहूंगा कि आप भी कभी किसी को जरूरत में देखो तो आप भी उसकी हेल्प करना और इस चेन ऑफ हैप्पीनेस को आगे बढ़ा देना। वो लेडी जिशान की बात से बहुत इंप्रेस्ड होती है, उसको थैंक्स करती है और उसको प्रॉमिस करती है कि मैं भी आगे किसी की हेल्प जरूर करूंगी। वो लेडी गाड़ी स्टार्ट करके सिटी की तरफ चल पड़ती है। सिटी में पहुंच के वो एक कॉफी हाउस पर रुकती है कॉफी और स्नैक्स लेने के लिए। वो लेडी कॉफी हाउस में काम करती हुई एक लड़की को ऑब्जर्व करती है कि एक लड़की 7 मंथ प्रेग्नेंट है, फिर भी अच्छे से काम कर रही है, मुंह पे स्माइल है, अच्छी कस्टमर सर्विस दे रही है और पूरी एनर्जी के साथ काम कर रही है। वो लेडी उस लड़की को अपना ऑर्डर देती है, कॉफी और स्नैक्स मंगवाती है, कॉफी और स्नैक्स फिनिश करके बिल की अमाउंट रख के चले जाती है। पीछे से वो लड़की जब टेबल की तरफ आती है टेबल क्लियर करने के लिए और बिल की अमाउंट उठाने के लिए, तो वो नोटिस करती है कि बिल की अमाउंट के अलावा एक एनवेलप पड़ा है। वो एनवेलप खोलती है तो उसके अंदर 10,000 रुपीज कैश होता है और साथ में एक नोट लिखा होता है। उस नोट पे उस लेडी ने लिखा होता है कि तुम अराउंड 7 मंथ प्रेग्नेंट लग रही हो, फिर भी जॉब कर रही हो, मुझे लगता है कि तुम्हें इस टाइम पे पैसे की बहुत ज़रूरत है, ये पैसे तुम अपने पास रखो, किसी ने मेरी हेल्प की थी और कहा था कि आगे किसी की हेल्प करना, तो तुम भी अपने तरीके से आगे किसी की कभी हेल्प कर देना और इस चेन ऑफ हैप्पीनेस को आगे बढ़ाते रहना। वो 7 मंथ प्रेग्नेंट लड़की जिसको इस टाइम पे पैसे की ज़रूरत है, वो ये नोट पढ़ के और 10,000 कैश देख के उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जब वो लड़की शिफ्ट ख़त्म करके अपने घर जाती है तो घर जाके देखती है कि हमेशा की तरह उसका पति परेशानी वाले चेहरे के साथ सो रहा है। वो अपने सोते हुए पति को पीछे से जाके हग करती है और धीरे से उसके कान में बोलती है कि अब तुम डिलीवरी की टेंशन मत लो, अब सब ठीक हो जाएगा। आई लव यू माई हस्बैंड मिस्टर जिशान अख्तर। अगर आप किसी की लाइफ में खुशियों के पल बढ़ाते हो, चाहे अपना टाइम देके, चाहे कोई पैसे देके, चाहे उसको सुन के या फिर उम्मीद की सिर्फ एक स्माइल देके, तो वो खुशियाँ आप तक वापस ज़रूर आती हैं। और सोचो अगर हम सब एक दूसरे के काम आते हैं, इस चेन ऑफ लव को आगे बढ़ाते जाते हैं, तो सबका फ़ायदा, सबकी खुशी। मैं इस वीडियो से चेन ऑफ हैप्पीनेस की शुरुआत कर रहा हूँ। आप भी इसका हिस्सा बनिए और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे इस वीडियो को शेयर कीजिए। दूसरों के काम आते रहिए और चेन ऑफ हैप्पीनेस को आगे बढ़ाते रहिए।